हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए एक स्वीट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जब कभी खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करे ना, तो इसको फ्रिज में लगाइए और गर्मी में ठंडा ठंडा निकाल कर खाइए। या कोई स्पेशल गेस्ट आपके यहाँ आ रहा है तो तब आप इसको बनाइए। और सबसे बड़ी बात कि इसको बनाना बहुत ईजी है, बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ बना सकते हैं और टाइम भी इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये है फिरनी, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरह का है। इसकी कंसिस्टेंसी लगता है जैसे इसमें मावा डाला हुआ हो, खोया मिलाया हुआ हो। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं स्वीट सी रेसिपी को बनाना। यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले 5 चम्मच चावल, या अगर मैं ग्राम्स में बताऊँ तो ये केवल 50 ग्राम चावल हैं। और चावल आप कोई भी ले सकते हैं, खिचड़ी वाला, खीर वाला या फिर बासमती राइस कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने जी इस चम्मच से इसको नापा है और 5 चम्मच चावल मैंने ले लिया था और इसको भिगाया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद इसका पानी मैंने निकाल दिया है और अब हम लेंगे इसको मिक्सी के एक जार में। अब यहाँ पर इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं और दूध भी डाल सकते हैं, जो कि पूरी तरह ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा दूध डाला है, आप देख सकते हैं मुश्किल से 50-60 ml ही दूध होगा। और इसको कर लेंगे हम ग्राइंड। ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद जो इसका पेस्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह बारीक पेस्ट नहीं बना है, दरदरा टाइप का हमारा पेस्ट बना है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा बर्तन लेंगे जिसमें हम लेंगे 1 लीटर फुल फैट दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। और अब जो ये हमने चावल लिए थे ना, जो ग्राइंड किए थे, वो हम इसमें डाल देंगे और डालकर अच्छे से मिला देंगे। अब हम जो ये भगोना है इसको रखेंगे गैस पर और इसको धीरे धीरे हमें ऐसे ही चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद हम गैस को कर देंगे थोड़ा स्लो टू मीडियम और उसको उसी आंच पे उबलने देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल 10 मिनट इसको उबलते हुए हुआ है और ये देखिए कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी जो है गाढ़ी होने लगी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कटोरी में लेंगे या तो एक घूंट पानी ले लीजिए या फिर दूध ले लीजिए। और ये केसर फूड कलर है जो कि केवल एक पिंच लेकर मैं इसमें डालूंगी और अच्छे से करूंगी मिक्स। और हम इसमें खीर में डाल देंगे जिससे इसका जो कलर है वो केसर वाला हो जाए। या फिर अगर आपके पास केसर की पत्तियाँ हैं तो 3 से 4 पत्तियाँ वो भी आप दूध में भिगो कर और इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फूड कलर का यूज़ किया है और आप देख सकते हैं कि जो हमारी फिरनी है इसका कलर कितना अच्छा हो गया। और अगर फूड कलर भी नहीं है तो आप इसमें 1 पिंच हल्दी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम चीनी की। तो चीनी यहाँ पे हमें डालनी है डबल क्वांटिटी में, यानी अगर हमने 50 ग्राम चावल लिए है तो उसमें हम 80 से 100 ग्राम तक चीनी डाल सकते हैं, पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आप थोड़ा कम या ज़्यादा मीठा खाते हैं वो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं मीठा। और साथ ही मैंने डाली है यहाँ पर इलायची पाउडर, जो कि 1/2 चम्मच मैंने डाला है। आप चाहें तो 3 से 4 इलायची ऐसे भी कूट कर आप इसमें डाल सकते हैं। तो टोटल 20 मिनट मैंने इसको पकाया है धीमी धीमी आँच पर, आप देख सकते हैं। और अब इतनी ही कंसिस्टेंसी में हमें इसको उतार लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ी सी गाढ़ी होगी। तो मैंने गैस बंद करके इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दिया था और फिलहाल ये रूम टेम्परेचर पर ही है। और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है, कितनी अच्छी, बिल्कुल रबड़ी वाली, जैसे खोया डाल के बनाते हैं ना, उस तरह की फिरनी हमारी तैयार हुई है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर। और अगर आप इसको बनाकर पहले ही फ्रिज में रख देते हैं और जब गेस्ट आए तो तब आप इसको सर्व कीजिए, ऑप्शनल है पूरी तरह से। आप चाहें तो इसको ऐसे ही प्लेन सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगेगी। और अगर चाहें तो इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर प्लेन भी आप खाएंगे तो बहुत टेस्टी ये लगने वाली है, साथ ही आप बार बार बनाएंगे इसको, इतना अच्छा फ्लेवर इसका होता है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर। और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।